बच्चों वेलकम कक्षा नौवीं हिंदी। हिंदी में आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में जो अभी चल रही है अपनी व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे समास। समास समास की परिभाषा और समास के प्रकार के बारे में कि समास की परिभाषा क्या है और परिचय। अब हम पढ़ते हैं कि समास के माध्यम से नए शब्दों की रचना की जाती है। किसकी रचना की जाती है समास के माध्यम से? नए शब्दों की रचना। दो या दो से अधिक शब्द विभिन्न तरीकों से एक नए शब्द बनाते हैं उसे हम, और उनमें विभक्तियां जोड़ी जाती हैं। फिर इनको ही हटाकर बचे शब्दों को आसपास ला दिया जाता है, उन्हें समास कहते हैं। जैसे परिभाषा दी गई है कि दो या दो से दो शब्दों को निकट लाने के लिए नए शब्द की रचना को समास कहते हैं। क्या दिया है? दो या दो से अधिक शब्दों को निकट लाने पर जो नए रचित शब्द की रचना बनती है उसे हम समास कहते हैं। जैसे कि तुलसीकृत या पानी में डूबा हुआ जल मग्न। अब उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे कि तुलसी के द्वारा लिखा गया, यानी ये वाक्य दिया है, इसका हमको जोड़कर बनाना है कि ये क्या बनेगा। तो बनेगा क्या? तुलसी कृत पानी में डूबा हुआ यानी जल मग्न। क्या बने शब्द? पानी में डूबा हुआ का जल मग्न। और देखेंगे उदाहरण की क्या है। अब देखेंगे हम कि राह के लिए खर्चा यानी राह खर्च, चार आनंद का समूह यानी चतुरानंद, लंबा उधर है जिसका लंबोदर है ना। इसमें क्या है? ये जनरली समास के उदाहरण है। पूर्व एवं उत्तर पद समान समास रचना के दो पद होते हैं इनमें से पहले। इसको देखेंगे हम कि इसमें क्या बताया है। पूर्व या उत्तर पद में बताया है कि समास रचना में दो पद होते हैं, इनमें से पहले पद को पूर्व पद और बाद वाले को हम उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद का एवं उत्तर पद का मेल होता है। इन्हें ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि हाथ से लिखा हुआ है ना शब्द समूह को, तो उत्तर पद क्या हो जाएगा यहाँ पर सब दोनों मिला के? हस्त लिखित, हस्त धन लिखित ये है, तो क्या हो जाएगा ये हस्त लिखित। रसोई के घर के लिए रसोई घर है ना। नीला है गगन जिसका, नील गगन, नील गगन, नीला है जो गगन। पांच वटों का समूह पंचवटी, क्या बना शब्द? दोनों को मिला दिया तो बाद वाला और पहले वाले दोनों शब्दों को मिलाकर मृत्यु तक आमरण, आ और मरण ये जुड़े हैं शब्द, ये मिलकर क्या बने? दो पद बन गए। ये कहलाया पूर्व पद और ये उत्तर पद, ये दोनों मिलकर बनाए क्या? पूर्व एवं उत्तर पद का समास की एक रचना के शब्द बनाए। समास विग्रह समस्त पदों की पहले जैसी दशा में लाने के लिए समास का विग्रह किया जाता है। जैसे हमने घर पे ये वाक्य लिए हाथ से लिखा हुआ हस्त लिखे, वैसे ही अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे लेंगे शब्द लेंगे समस्त पद लेंगे यथा संभव, जैसा संभव हो। क्या हो जाएगा इसका विग्रह? जैसा संभव हो। प्रत्यक्ष आंखों के सामने, माखन चोर मुरारी वंशी वाले को क्या बोलते हैं? माखन चोर, उसका क्या हो जाएगा वह? माखन को चुराने वाला देशभक्त, देश का भक्त हो जाएगा। नल नील, नल और नील, यानी यहाँ पे क्या हुआ? विग्रह हो गया। यथा संभव का क्या हुआ? यहाँ पे विग्रह होके ये बन गया। प्रत्यक्ष का माखन चोर, देशभक्त देश का भक्त, नल नील और तो नल और नील। अब हम देखेंगे कि समास के प्रकार, ये है समास के प्रकार। समास के प्रकार कितने हैं? छह प्रकार, छह प्रकार के होते हैं, होते हैं जो ये दर्शाए। अवयवी भाव समास
तत्व कहते हैं, जैसे मोक्ष को प्राप्त करना, यानी मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष प्राप्त, शॉर्ट शब्द क्या हुआ, मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त है ना, रणभूमि यानी रण की भूमि, लड़ने वाली भूमि है ना। फिर कर्म तत्पुरुष, इसी में क्या आता है, ये कर्म तत्पुरुष समास, तो ये विभक्ति चिन्ह इसमें लोप हो जाता है, जैसे ग्राम गर, तो ग्राम को गया हुआ, स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त, शरणागत शरणागत है ना, इसमें चिन्ह लुप्त तो हो जाते बोलते समय, शरण को आया हुआ। आदि उदाहरण से हम तत्पुरुष समास को समझ सकते हैं। अब इसी में तत्पुरुष समास में करण तत्पुरुष, इसमें पूर्व पद में करण कारक विभक्ति चिन्ह से के द्वारा, इसका भी लोप, विभक्ति चिन्ह लोप हो जाता पूर्व पद का, उसमें क्या देखा हमने उत्तर पद, इसमें पूर्व पद हो जाता है, जैसे सूरचर, सूर द्वारा रचित, यानी अब इधर पे सेंटेंस बदल गया, वाक्य बदल गया, इसमें क्या लग गया, द्वारा, सूर द्वारा रचित, स्वरचित यानी स्वयं के द्वारा, ऋण गति यानी ऋण से प्राप्त, बाढ़ पीड़ित यानी बाढ़ से ग्रस्त, आदि ये सारे उदाहरण के द्वारा हम इनको समझ सकते हैं कि करण तत्पुरुष समास में इसमें क्या होता है, करण कारक विभक्ति चिन्ह के द्वारा लोप हो जाता है, उसमें उत्तर पद के विभक्ति चिन्ह। आगे देखेंगे हम सारे उदाहरण, ये आपको उदाहरण के अनुसार बताया गया है कि आपको कैसे पढ़ना। अब हम पढ़ेंगे संप्रदान तत्पुरुष, इसी में ही आता है तत्पुरुष समास का ये भी प्रकार, जैसे इसमें क्या होता है, संप्रदान कारक विभक्ति को के लिए, विभक्ति चिन्ह के लिए लोप हो जाता है, कैसे, देश प्रेम, देश के प्रेम, जो उसमें क्या दिया, द्वारा, द्वारा लगा दिए कि देश के लिए, किसी के लिए है, देशभक्त, देश के लिए, गौशाला गायों के लिए, रणभूमि है रणभूमि के लिए, आदि आदि उदाहरण से हम इनको देख सकते हैं कि तत्पुरुष समास में कितने उदाहरण के द्वारा हम इनको लिख सकते या समझ सकते। इसी में है अपादान, ये सारे उदाहरण आपको दिए हैं, पौधशाला, वन सामग्री, सत्याग्रह, डाकगाड़ी, गुरु दक्षिणा आदि। अपादान पुरुष जिसमें, जिस समाज में पूर्व पर अपादान कारक हो और उसकी विभक्ति चिन्ह के से वह अलग से, अलग से लोप हो जाए, उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। अलग से यानी जैसे पद च्युत दिया है, तो पद से च्युत यानी गिरा हुआ, पद से अलग गिरा हुआ है ना, रोग मुक्त यानी रोगों से मुक्त, रोग से मुक्त, निरोगी, उसको क्या कहेंगे, रोग से मुक्त। धर्म भ्रष्ट यानी धर्म से भ्रष्ट, धर्म से अलग हुआ, हटा हुआ, धनहीन यानी धन से हीन या गरीब आदि। इसमें क्या हुआ, चिन्ह, विभक्ति चिन्ह से ये अलग हो गए, इन सब से अलग हो के ये बना ना, वैसे ही जैसे रोग मुक्त, रोगों से मुक्त आदि। उदाहरण से हम आपको समझा सकते हैं कि ये सारे उदाहरण से आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, और आपको इनको कॉपी में लिखकर समझना है, ये सब आपको आते हैं परीक्षा में आपकी, और अभी दैनिक परीक्षाएं भी आपकी चालू रहेंगी, जब भी होगा तो आपको थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा। फिर संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक में विभक्ति चिन्ह का की आ रे रा री का लोप हो जाता है, जैसे देशभक्त है, देशभक्त, देश का भक्त, उसमें हमने क्या पढ़ा पिछले में, देश के लिए, अब पढ़ेंगे देशभक्त यानी देश का भक्त, यहाँ पे विग्रह हो गया, हुआ विग्रह टूट कर क्या बना, देश भक्त, नरपति नर लोगों का पति, दलपति दल समूह का पति, राजपुत्र राजा का पुत्र, सेना नायक सेना का नायक आदि उदाहरणों से हम समाज को समझ सकते हैं। ये सारे आपको उदाहरण दिए हुए हैं बच्चों, ये सारे उदाहरण आपको अपनी कॉपी में लिख कर आपको समझना है। अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण में विभक्ति में पर का लोप हो जाता है, किसका लोप हो जाता है, पर का यानी दूसरा शब्द जो बनता है वो वाले शब्द का लोप हो जाता है, जैसे घुड़सवार, घुड़सवार। अब हम आगे पढ़ेंगे इसी सारे उदाहरण,
के भाई बहन, जैसे मैंने अभी बताया ना माता और पिता, तो ये भी आएगी। सर्दी गर्मी, सर्दी और गर्मी, धूप छांव का धूप और छांव, और शब्द लग गया इसमें है ना। अब है कर्मधारय समास, उपमेय अथवा विशेषण और विशेष से उसे कर्मधारय समास। जिस समास में एक पद उपमेय हो जाता है और दूसरा विशेषण, यानी उसका उपमा, उपमेय यानी उसका महत्व बता, जैसे महादेव, महादेव महान है, देव नील गगन नील है गगन, श्वेत कमल श्वेत कमल, पीतांबर पीला है अंबर, इसका महाराज महान है जो राजा आदि। काली मिर्च दिया, काली है मिर्च, नीला अंबर नीला अंबर, नीला है अंबर, प्रधान आचार्य प्रधान है आचार्य आदि शब्दों के द्वारा हम कर्मधारय समास का समास को उदाहरण में देखे। आगे भी आपके लिए उदाहरण दिए हुए हैं, ये सब आपको उदाहरण कॉपी में लिखकर समझना है, तभी आपको और ज्यादा समझ में आएगा बच्चों। जैसे अब ये भिगु समास, जिस समास का समस्त पद पहला संख्यावाचक होगा और दूसरा द्विगु समास। जैसे संख्यावाचक में विविघा त्रिभुज, आप गणित में पढ़ते हो ना त्रिभुज, फिर हिंदी में पढ़ते त्रिलोचन तीन नैनों वाला, चतुर्भुज पढ़ते हो, चतुर्भुज है ना, त्रिभुज पढ़ते हो तीन भुजाओं वाला, चतुरान चार आन वाला, पंचवटी अभी हमने पिछले में पढ़ाया पांच वटों का समूह, जिसमें बताया पंचवटी पांच वृक्षों का समूह है ना, षटभुज षटकोण छह कोणों का समूह, षडानन छह आनन का समूह, त्रिपला तीन फलों का समूह, त्रिभुवन तीन लोकों का समूह आदि, दोपहर पंचतंत्र, पंचतंत्र है कैसा, पांच तंत्रों का समूह, ये पंचतंत्र की कहानियां भी आपने पढ़ी होंगी बच्चों। बहुव्रीहि समास, जिस समास में ना पूर्व पद प्रधान होता है और ना ही पद के संकेत होते हैं, बहुव्रीहि समास। जैसे जैसे दिया पंकज, पंख कीचड़ में जन्म लेने लेता है ना, पंख में मछली घोड़ा सीप कीड़े मकोड़े घास आदि होते हैं है ना, और इसमें क्या है कमल के अर्थ का बोध कराता है, कमल प्रधान होने के कारण बहुव्रीहि समास हो जाता है इसका। पंकज कमल, पंकज का क्या होता है विरुद्धार्थी शब्द, कमल समानार्थी शब्द, पंकज का क्या हुआ कमल। आप पढ़ेंगे कि कैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्र, ये क्या है त्रिनेत्र, त्रिनेत्र है ना। चतुरानन जैसे अभी हमने और पढ़ा, चतुरानन ये पंचानन, पंचानन पांच आनंद मुंह में जिसके अर्थात पंचानन, एक दंत यानी एक दांत है जिसके गणेश जी, क्या है एक दंत, एक दंत गणेश जी को बोलते हैं हम, एक दंत दयावन एक दंत है ना। लंबोदर लंबा है उधर जिसका, किसका है गणेश जी का, लंबा पेट है वो, ये लंबा उधर होता ना उनका, कितनी सूंड बड़ी रहती जो, फिर है क्या पंचा पीला है अंबर जिसका पीतांबर, क्या हो रहा है ना पीतांबर, पीतांबर आदि। ये शब्दों के द्वारा हम इनका बहुव्रीहि समास का उदाहरण से ही हमको समझ में आएगा कि इसका क्या अर्थ है, क्या परिभाषा, क्या अर्थ है। बच्चों आपको ये सब पढ़कर अपनी कॉपी में लिखना है।